दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटे के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जय हिंद में। हम रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने जा रहे हैं कि रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो कुछ नियमों पर आधारित होती हैं, इन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाएँ जिन भी रासायनिक नियमों को फॉलो करती हैं उन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ये चार हैं। द्रव्य की अविनाशता का नियम या द्रव्य के संरक्षण का नियम, यानी ये सबसे पहला नियम है। इसे हम किसी भी सीक्वेंस से लिख सकते हैं, तो द्रव्य की अविनाशता का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और गैलुसेक का गैसीय आयतन नियम। तो रासायनिक संयोग के नियमों में हमें इन सभी का अच्छे से अध्ययन करना है। इसमें एक पांचवा नियम भी है, अवोगाद्रो का नियम, जिसे भी मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, द्रव्य या पदार्थ के संरक्षण का नियम। आइए जानें यह नियम क्या है, इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। तो इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग, जैसे यदि रासायनिक अभिक्रिया में कोई दो पदार्थ भाग ले रहे हैं तो उनकी मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया में बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ बनेगा उसकी मात्रा का योग जितना पदार्थ हमने अभिक्रिया से पहले लिया था दोनों का योग बराबर होगा। अथवा हम इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि इस नियम के अनुसार पदार्थ ना तो बनाया जा सकता है, यानी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी पदार्थ के केवल जैसा दिख रहा था उसमें परिवर्तन हो जाता है, बाकी पदार्थ कोई पदार्थ ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम इसे ऊर्जा संरक्षण समझ सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, उसे पदार्थ भी सिर्फ एक फार्म से दूसरे फार्म में बदल जाता है, ना कि वो उसे नष्ट किया जाता है और ना ही बनाया जा सकता है किसी पदार्थ को। जैसा कि यदि हम 2 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं तो इसके योग से इसके अभिक्रियक पदार्थ जो बाद बनेगा उसमें टोटल 4 ग्राम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगी। इसलिए पदार्थ की मात्रा हमेशा जितना हमने पदार्थ लिया था उतनी ही रहती है, कभी भी घटती नहीं है ना ही बढ़ती है। इसके कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसा कि 10 ग्राम ऑक्सीजन ली गई और यदि उसकी 10 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया कराई गई तो कितना N2 बनेगा, NO बनेगा, लेकिन इसमें 20 ग्राम ही बनेगा। कई लोग ताप दाब आदि बढ़ाने के बारे में कहते हैं कि उससे शायद ज़्यादा हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा, सॉरी, अब हम इसी में लेडोल्ड का प्रयोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेडोल्ड का प्रयोग, लेडोल्ड ने H आकार की एक कांच की नलिका ली। जैसे कि आपने H देखा होगा तो H के आकार की एक कांच की नलिका ली और इस नली में अभिकारक का विलयन, जो अभिकारक के रूप में लेडोल्ट ने KCl पोटेशियम क्लोराइड लिया और दूसरी भुजा में, जैसे कि H आकार में आपने देखा होगा 2 भुजाएं होती हैं, तो दूसरी भुजा पे AgNO3 लिया और दोनों नलियों की सील बंद कर दी और उसने उसके द्रव्यमान को तोला कि यानी उसका भार कितना है। तो जब उसे तोला गया और उसे नोट कर लिया, फिर इसे उल्टाया पलटाया जिससे इसकी अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया के बाद AgCl प्राप्त हुआ और जब लेडोल्ट ने इसे तोला तो दोनों भारों में जो पहले तोला गया था और जो बाद में तोला, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं आया। ये द्रव्य के संरक्षण नियम की पुष्टि करता है या द्रव्य के अविनाशता नियम की पुष्टि करता है कि यदि किसी भी अभिक्रिया में जितना पदार्थ लिया जाएगा उसकी क्रिया से बना पदार्थ की मात्रा उतनी ही होगी। तो इस प्रकार हमारा द्रव्य का संरक्षण नियम खत्म हुआ। अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तो जानते हैं यह नियम क्या है।
जोसेफ लुईस प्रॉस्ट ने। जोसेफ लुईस प्रॉस्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1799 में यह नियम प्रतिपादित किया था। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था और कब प्रतिपादित किया था, इसे भी आप नोट कर लें कि किसी। तो अब आइए जानते हैं नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व, जो भी तत्व होते हैं, वो भार या द्रव्यमान, भार और द्रव्यमान की दृष्टि से स्थिर या निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे यौगिक को किसी भी विधि से क्यों ना प्राप्त किया जाए। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। आइए अब हम इसे समझते हैं। यानी कोई भी यौगिक होगा, यदि हम उसे किसी भी विधि से बनाएं या प्राप्त करें, जो उसके अवयवी तत्व होंगे वो भार की दृष्टि से हमेशा निश्चित अनुपात में रहेंगे। जैसे हम जल को लेते हैं, तो जल यदि किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, तो जिसमें H और O का अनुपात है, वो हमेशा 2:16 या 1:8 रहेगा। उसे सरल अनुपात हमने कर दिया। जैसे उसमें हाइड्रोजन 2 होते हैं तो H2, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो H2, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 2:16। जैसे नाइट्रोजन परऑक्साइड N2O2, इसे हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें तो इसका अनुपात 28:32 ही आएगा, या 14:16। तो इस तरह हम किसी भी यौगिक को यदि किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, लेकिन उसके जो अवयवी तत्व, जो मुख्य तत्व होंगे, वो भार की दृष्टि से हमेशा निश्चित अनुपात में, या उनका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखें। अब आगे हम इसके तीसरे नियम को देखते हैं कि तीसरा नियम क्या है। तो हमारा तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। को सन 1803 में जॉन डाल्टन, जो वैज्ञानिक जॉन डाल्टन है, उन्होंने प्रतिपादित किया था। इसे आप वैज्ञानिक का नाम जरूर नोट कर लें, क्योंकि वैज्ञानिकों का नाम कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। इसलिए 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के भिन्न भिन्न भाग दूसरे तत्व के निश्चित भारों से संयोग करते हैं, तो उनके भारों में सरल अनुपात होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि इसका उपयोग हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा कि कोई भी तत्व, जब एक तत्व दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनके जो भार होते हैं, एक तत्व के भिन्न भिन्न भाग दूसरे तत्व के निश्चित भार से, एक तत्व का भार हमेशा निश्चित रहेगा और एक तत्व का भार अलग अलग रहेगा, निश्चित भार से संयोग करते हैं, तो जो एक तत्व के भिन्न भिन्न भाग रहेंगे उसमें हमेशा सरल अनुपात रहेगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने दो यौगिक लिए हैं, वो भी कार्बन और ऑक्सीजन के। तो कार्बन और ऑक्सीजन का पहला यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। पहले में सी और ओ है, तो इनके सी और ओ का अनुपात होगा 12:16। और जो दूसरा यौगिक बना है उसमें सी ओ टू है, तो सी का परमाणु भार 12 और ओ टू, इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इसलिए इसका परमाणु भार होगा 32। तो इनके परमाणु भारों का अनुपात 12:32 होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि कार्बन के जो परमाणु भार हैं वो दोनों में 12:12 है, लेकिन ऑक्सीजन का भार अलग अलग है, एक में 16 है, एक में 32 है। यदि हम इसे देखें तो ऑक्सीजन के जो भिन्न भिन्न भाग है, यानी 16 और 32, यदि 16:32 करते हैं तो 1:2 आएगा, यानी इसके भारों में जो होगा वह सरल अनुपात आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का भार एक समान है और ऑक्सीजन का जो भिन्न भिन्न भाग हैं उनके भारों में सरल अनुपात रहेगा, 1:2 का। तो इस तरह गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है, और इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, जिसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और एक नियम और बचा हुआ है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।